नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक देश की कमान संभालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 9 केंद्रीय मंत्रियों समेत 54 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल मंगलवार बुधवार को समाप्त हो गया। इनमें से 49 सांसदों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो चुका है, जबकि 5 सांसदों का कार्यकाल बुधवार को खत्म हो गया। राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल खत्म होने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 33 साल लंबी संसदीय पारी समाप्त हो गई है। उच्च सदन यानी राज्यसभा सांसद के रूप में 3 अप्रैल बुधवार को संसद के रूप में अंतिम दिन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सीट पर अब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को राज्यसभा में एंट्री मिलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1991 में राज्यसभा सांसद बने थे। आइए आपको बताते हैं किन केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल खत्म हो गया। 7 केंद्रीय मंत्रियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं इन केंद्रीय मंत्रियों के साथ किन सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ है। उच्च सदन के जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया उनमें भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सपा के जया बच्चन, आरजेडी के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के नसीर हुसैन, अभिषेक मनु संधवी, छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे और अनिल जैन भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। हालांकि सपा की जया बच्चन, आरजेडी के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के नसीर हुसैन को पार्टी ने दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, जिसके लिए निर्वाचन हो चुका है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश से हार गए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।